हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोपैथोलॉजी। तो लखीमपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी लैब टेक्नीशियन और अदर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, जिसका लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 30 मई 2020 रखा गया था, उसको एक्सटेंड करके 6 जून 2020 कर दिया गया है। तो अभी भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो पैरामेडिकल जॉब से रिलेटेड आपके लिए लाते रहता हूँ। तो बात करते हैं पोस्ट के लिए। तो ये ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट है, जिसमें बहुत सारे टेक्नीशियंस और नर्स के लिए यहाँ पास वैकेंसीज निकाली गई है अलग अलग। यहाँ पास देख सकते हैं, मैं बात करने वाला हूँ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। तो यहाँ पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मंगी गई है वो मंगी गई है यहाँ पास HSSLC होना चाहिए आपका, या तो फिर आपका होना चाहिए डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपका होना चाहिए फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसमें कोई एक्सपीरियंस यहाँ पास कुछ पूछा नहीं गया है, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर है तब भी। और यहाँ पास जो पे स्केल रखा जाएगा वो 14,000 से 60,500 के बीच में आपका रखा जाएगा, जिसमें प्लस आपको GP दिया जाएगा 6,200 रुपये। यहाँ पास नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है यहाँ पास 30 दी गई है, टोटल यहाँ पास वैकेंसी 30 दी गई है लैब टेक्नीशियन के लिए। और यहाँ पास कुछ कैटेगरी दी गई है जिसमें अलग अलग रिजर्वेशंस दिए हुए हैं, तो ये आप इसके अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर बात करते हैं रिजर्वेशन की। यहाँ पास रिजर्वेशन कुछ वुमेन कैंडिडेट के लिए रखी गई है और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पास रिजर्वेशन रखी गई है। और एज लिमिट आपका 18 से 38 वर्ष होना चाहिए, 18 से 38 वर्ष वाले यहाँ पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पास कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी गई है जो कि आपको फॉलो करनी होगी। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में चाहिए होगा, तो ये सब आपको तैयार रखना पड़ेगा पहले से। और यहाँ पास एक ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है DME कॉलेज आसाम की, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।